क्लास तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 9 का एक टॉपिक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो आज की क्लास में वैसे आइडेंटिटीज आप फॉर्मूले आपको याद भी होंगे आइडेंटिटीज के, नॉट फॉर्मूले एक्चुअली, आइडेंटिटीज के जो एक्सप्रेशन है वो आपको लर्न होंगे। बट आज हम ये सीखेंगे कि आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज बनी कैसे, यानी वो कैसे आया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किस तरह से आपको मिला। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका जो सोल्यूशन होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो कैसे आया आपको याद ही ना करना पड़े उसको समझने के लिए। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब है उसकी दो बार मल्टीप्लिकेशन होना अपने आप से। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस है। अब ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी बाइनोमियल। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले ए की मल्टीप्लाई ए से होगी, फिर ए की मल्टीप्लाई बी से होगी, फिर बी की मल्टीप्लाई ए से होगी, और फिर बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। यहाँ पे आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या आपको कोई लाइक टर्म दिख रही है? यस सर, ए भी दी है, ए भी है, ए भी और ए भी है, तो सेम है ना भी। यानी क्या मिलेगा आपको, ए भी है और बाकी एम भी उतार होगी। ये हुआ आपका लाइक, पता चला आपको कि ये इसके बराबर कैसे आया, याद तो नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, रेडी? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर कैसे किसके बराबर होना चाहिए। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए माइनस बी की दो बार मल्टीप्लाई, ठीक है? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर ए बी माइनस ए बी। नहीं आया समझ में, माइनस देखो ऐसे अगर मैं एक्सपैंड करके बताऊं तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू माइनस बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस बी इंटू प्लस ए, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस बी इंटू माइनस बी, ए इंटू ए प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस स्क्वायर। क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पर, मतलब ए बी माइनस बी है, दोनों नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगी तो हमें मिलेगा टू ए बी कैसा कैसा स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आया समझ में। ठीक है, इतना नोट करो, अब थर्ड आइडेंटिटी बताऊंगी। ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी हम लोग सीख रहे हैं, थर्ड जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है उस पर थर्ड आइडेंटिटी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए आपको ये बताना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान रखिए ये शुरू की दो आइडेंटिटी से अलग है, पहली वाली में दोनों जगह प्लस था और सेकंड वाली में दोनों जगह माइनस था, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी हम इसका डायरेक्ट आंसर ना लिख करके आंसर कैसे आया ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों बाइनोमियल्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी बी इंटू ए प्लस बी ए और बी इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ये मिला। yes, ma'am. अभी ये देखो क्या कोई लाइक टर्म्स है, yes, ma'am. कैंसिल हो जाएंगी, आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। नोट कीजिए, समझ में आ गया ना सबको, नोट कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है? एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बी एक्स बेटा, ठीक है? प्लस ए एक्स,
एक्स कॉमन आ रहे हैं बीच के दोनों टर्म्स में, है ना? तो एक्स कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये आ गई आगे, ठीक है? बेटा अब हम आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन देखेंगे, इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे, इसे नोट कीजिए, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1, यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब फर्स्ट पार्ट है, जैसे x प्लस 3, आपको पहचानना है एक तो कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। 1, 2, 3, 4 हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, चारों में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी बताओ। मैम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली ये चीज लिखी हुई है, है ना? इसको हमें इस फॉर्म में बदलना है, yes, है ना? ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा क्या होगा इसका एक्सपेंशन जब प्लस जल्दी
अभी अगला पार्ट करते हैं इसका। रेडी क्योंकि ये बराबर है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पहले देख लो अच्छे से। यूसुफ आपको समझ आया बेटा? अच्छे से? यस मैम, हम अच्छे से। चलो अभी इसका एक्सपेंशन देखते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। ऊपर के एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और नीचे की टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो गया।